गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साई बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो है, मैंने नक्षत्र के हिसाब से वीडियो बनाना क्यों चुना। कुल मिला के 27 नक्षत्र हैं तो मैं 27 वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे ये बताना जरूरी लगता है इस वीडियो के जरिए कि राशि के बजाय मैंने नक्षत्र के बारे में वीडियो क्यों बनाया। 12 राशि है और 27 नक्षत्र, 12 राशि में 27 नक्षत्र बटे हुए हैं, लेकिन अगर हम नक्षत्र के अनुसार इंफॉर्मेशन लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम ज्यादा सटीक, ज्यादा क्लियर, ज्यादा परफेक्ट अनुमान लगा सकते हैं। मतलब कोई इंसान परिस्थिति में कैसा बर्ताव करेगा, उसकी सोच कैसे रहेगी, उसकी मूल वृत्ति कैसे है, इसके बारे में अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से चलेंगे बजाय राशि के, तो हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सटीक परफेक्ट अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने नक्षत्र के हिसाब से वीडियो बनाया। उसी वजह से लोगों को उनका नक्षत्र उसके बारे में भी पता चल जाएगा और नक्षत्र के बारे में थोड़ी और जन जागृति हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मीन राशि है या फिर उनकी मेष राशि है, लेकिन जो स्वभाव के बारे में बताया जाता है कि मीन राशि के लोग ऐसे होंगे या फिर मेष राशि के लोग वैसे होंगे, तो वो उनको सूट नहीं करता। तो फिर वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो यही कारण है कि मैंने नक्षत्र के अनुमान से चुना, क्योंकि मेष राशि में 3 अलग अलग नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। मतलब 27 नक्षत्रों में से पहले 3 जो नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, वो मेष राशि में आते हैं। कृत्तिका नक्षत्र फिर दूसरी राशि में, जैसे कि वृषभ राशि में भी चला जाता है, तो कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वभाव है वो अलग है और वृषभ राशि के दूसरे नक्षत्रों का जो स्वभाव है, जैसे कि रोहिणी, वो बहुत अलग है। इस वजह से ये विभाग इतने भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, कि मेष राशि में जन्मे अश्विनी का स्वभाव बहुत अलग होगा और मेष राशि में जन्मे कृत्तिका का या भरणी का स्वभाव बहुत ही अलग होगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मेष राशि है फिर भी वो स्वभाव मुझे सूट नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूं। तो इसकी वजह है वो नक्षत्र। तो जब भी कभी आप राशि से किसी के स्वभाव के बारे में अनुमान लगाने की सोचे, तो आप जरूर उससे उनका नक्षत्र पूछे। मैंने पिछले वीडियो में पुनर्वसु नक्षत्र के ये भी बताया था कि स्वभाव, कदकाठी, बुद्धिमत्ता, वो कितना पैसा कमाएंगे, ये सब बातें सिर्फ नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्वभाव अलग अलग तरीके से बनता है, संस्कार से बनता है, कदकाठी भी अलग अलग तरीके से बनती है, उसमें अनुवंशिकता होती है। मेरे हर वीडियो में मैं वही बातें बताऊंगी कि जो नक्षत्र से, उसी नक्षत्र से जुड़ी है और वो होगी ही होगी उनमें। मेरा अगला वीडियो रहेगा, पहला नक्षत्र से हम अभी शुरुआत करेंगे, अश्विनी नक्षत्र का। ओम साईराम।